सुशासन कोतवाली क्षेत्र में दो सगी दलित बहनों के शव एक पेड़ से लटकते हुए मिले हैं, जिसकी सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद भारी फोर्स मौके पर पहुंची। साथ ही कई आला अधिकारियों समेत आईजी लक्ष्मी सिंह भी घटनास्थल पर पहुंची। वहीं परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ में बाइक सवारों पर नाबालिग किशोरियों को घर से अगवा कर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय ने घटना में संज्ञान लिया, साथ ही अधिकारियों से आवश्यक जानकारी ली। साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने इस घटना पर ट्वीट किया। वहीं घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंची आईजी ने बताया कि किशोरियों के शव पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की जा रही है। वहीं परिजनों की तहरीर पर FIR दर्ज कर ली गई है। वहीं मामले में नामजद आरोपी छोटू सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों पर मर्डर, रेप सहित कई धाराओं में FIR दर्ज की गई है। बिटिया हमरा तिर बैठी राम स्नान करता बाबूजी, ऐसे बार बांधे, ऐसे बार में धोए रहन, ऐसे बांधे रहन, और धोती धोई कहीं है ऐसे डालन, और ये पहले तो गया काम के रोज आवत है, जावे जाए तो कौन लोग थे, कहाँ से थे ये? लालपुर के रहे, तीन धर्म के रोज आवत थी, उठा के लाए वहाँ से। जिम्मेदारी आपकी होगी, आप ग्राम प्रधान हो, मतलब सबके सामने खुलेआम बोल रहा हूँ, मैं नेतागिरी कर रहा हूँ। किसी कोई धमकी नहीं है, देखिए एक सेकंड रुकिए, पूरा समाज यहाँ पे, हम लोग सही है, पूरा समाज के साथ हम लोग है, आप पूरा समाज अगर चाहेंगे उठ के चलना, हम लोग लेके जाएंगे, मेरी जिम्मेदारी है, जिस गाड़ी में जाएंगे मेरी जिम्मेदारी है। 1100 किलो डायल 112 किलो तत्काल वहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने रिस्पॉन्स दिया था। प्राइमा फेसी दोनों बच्चियाँ अपनी दुपट्टे से हाल गई अवस्था में पाई गई हैं, शरीर पर जाहिरा तौर से कोई चोटें नहीं पाई गई, बाकी की जितनी चीज़ें हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएंगे। परिवार वालों से अपील की जा रही है, वो जैसा भी लिख के देते हैं हम वैसा ही करवा देंगे। इनके नाम जुनैद सन ऑफ इसराइल, सुहैल सन ऑफ इस्लामुद्दीन, हफीजुल रहमान उर्फ मझिलका सन ऑफ अजीजुल रहमान है। इसमें से दोनों लोगों को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया था, सुहैल और हफीजुल रहमान को। जुनैद की गिरफ्तारी अभी थोड़ी देर पहले हुई है, एक एनकाउंटर हुआ है, उनके पैर में गोली लगी है संभवतः, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले की बात है, उसमें गिरफ्तारी की गई है। तो चारों अभियुक्त जो नामजद किए गए थे उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इन लोगों को बुलाया गया। इन दो लोगों ने, अब ये 5 लोग हो गए थे, पहले 3 थे मौके पे, 5 हो गए, इन सब लोगों ने मिलकर के साक्ष्य मिटाने की दृष्टि से उन दो लड़कियों को उस पेड़ पे फंदे के साथ डाल दिया। इतनी घटना अभी तक हमारे संज्ञान में आई है, PM की कार्रवाई चल रही है, PM की कार्रवाई होने के बाद हम लोग और भी डिटेल इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अभी और पूछताछ बाकी है कई बिंदुओं पर, कई बिंदुओं, छोटे छोटे बिंदुओं में हम लोग डिस्कशंस करेंगे, उस पर हम लोग अपने साइंटिफिक एविडेंसेस गैदर कर रहे हैं, लोगों के बयान होने हैं, अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन बाकी है, जैसी ऐसी बातें खुलती जाएंगी हम लोग उसको आप लोगों को अवगत कराते जाएंगे। लखीमपुर के सिंहासन कोतवाली क्षेत्र से बड़ी घटना सामने आई है, दो सगी दलित बहनों के शव पेड़ से लटकते हुए मिले हैं। वहीं सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद भारी फोर्स मौके पर पहुंची, साथ ही कई आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता धीरज का रुख करेंगे। धीरज, लखीमपुर से बड़ी घटना सामने आई है, दो दलित बहनों के शव पेड़ से लटकते हुए मिले, इसको लेकर क्या जानकारी है? पुलिस को सूचना मिली कि दो बहनों के शव जो पेड़ से लटक रहे हैं, पुलिस मौके पर पहुंची, उसके बाद में बराबर वहां पर ग्रामीण इकट्ठा होकर मृतका जो बहनें उनके उनकी मां के द्वारा आरोप लगाया गया कि हमारे पड़ोसियों और कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा दोनों बहनों को घर से अगवा करने के बाद में हत्या की गई। इस तरीके से शिकायत करने के बाद में पुलिस
बुरी तरह हरकत में आई। हरकत में आने के बाद में जो शवों का जो है पंचनामा भर के पीएम के लिए भेजा गया, वहीं ग्रामीणों आक्रोशित ग्रामीणों और पुलिस की नोक झोंक भी हुई। उसके बाद में आला अधिकारी जिले के एसपी संजीव सुमन भी मौके पर पहुंचे, उनसे भी वार्ता हुई ग्रामीणों की, लेकिन ग्रामीणों ने हाईवे बाकायदा जाम कर रखा था। काफी देर नोक झोंक होने के बाद में जो ग्रामीणों को समझा बुझा कर शांत किया, वहीं इसी घटना की सूचना पर आईजी जोन लखनऊ आईजी लक्ष्मी सिंह भी मौके पर पहुंची और बारीकी से घटना स्थल का जो मुआयना करने के बाद में भर के पीएम के लिए लखीमपुर भेजा गया। अभी दोनों शवों का पीएम किया जा रहा है और वही जो सहयोगों के आधार पे छह जो आरोपी है उनको भी अरेस्ट किया जा चुका है, उनसे अभी पुलिस की पूछताछ चल रही है। जी धीरज, इस मामले में अभी कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और क्या कुछ निकल कर सामने आया है? देखिए, जिस तरीके से अभी जिले के एसपी संजीव सुमन के द्वारा बताया गया कि छह आरोपियों की अरेस्टिंग हो चुकी है, उनसे एक एक पॉइंट पे बारीकी से जो पूछताछ की जा रही है। जो अभी छठा जो आरोपी जुनेद की अभी गिरफ्तारी हुई वो पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुई है, जिसमें जुनेद के पैर में गोली भी लगी हुई है और उनसे बारीकी से पूछताछ कर रही है बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, जो दोनों शवों का भी पीएम भी किया जा रहा है मौके पर। धीरज, इस पर प्रशासन का क्या कुछ अभी तक कहना है? देखिए, जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, बता रहा है कि बारीकी से हर एक तट पर हर एक पॉइंट पर बारीकी से जांच कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें विपक्ष की, तो बाकायदा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया है कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, जहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं दिख रही। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी का भी ट्वीट आया हुआ है, वहीं बसपा से मायावती का भी ट्वीट आया। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है बाकायदा पूरी तरीके से प्रदेश सरकार से बराबर ट्वीट से ट्वीट और कानून व्यवस्था को लेकर बराबर आरोप लगा रहा है। जी धन्यवाद धीरज, तमाम जानकारी के लिए।